Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And in today's class, we are going to discuss monetary measures to correct deficient demand. Deficient demand भी बोलते हैं इसको. Deficit demand या फिर deflationary gap. तो basically तीनों चीजें एक ही होती हैं. चाहे आप deficient demand की बात करें, deficit demand की बात करें या फिर deflationary gap की बात करें. इससे पहले मैं इसके meaning, causes और effect डिफ्लेशनरी गैप के पढ़ा चुका हूं, तो आप चाहें तो उसे यहां कार्ड सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर या प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स की हेल्प से कैसे डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट किया जाता है. तो इफ यू टॉक अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी, तो वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो दो पॉलिसीज होती है. पहली पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी विच इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. And another one is fiscal policy, which is basically controlled by the government. So these two policies are there, which are commonly used for controlling the situation of inflation and deflation. So monetary policy की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो point आता है वो आता है quantitative instruments and another one is qualitative instruments. So इन्हीं दोनों की हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में. But इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, it becomes very important for you to tell you the meaning of monetary policy. Basically, monetary policy hoti kya hai? So, monetary policy refers to the policy of the central bank in relation to money and financial institutions. Financial institutions or money se related jo policy hoti hai RBI ki, central bank ki, that is what we call monetary policy. Dekhi, monetary policy bahut nayi cheez nahi hai. Banking mein aap isse padh chuke hain. मनी एंड बैंकिंग की जो यूनिट है उसमें आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है इसको. और इस तरीके की चीजें कुछ आती हैं, इस तरीके के कुछ मेजर्स आते हैं यहाँ पर, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देन लीगल रिजर्व रेशियो जिसके अंदर CRR और SLR आता है, एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, क्रेडिट राशनिंग एंड फोर्थ डायरेक्ट कंट्रोल. देखिए अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तो ये डायरेक्टली मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है. जबकि क्वालिटेटिव जो है एक तरीके से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आप ये कह सकते हैं. सो हम लोग जो आज का टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक रेट की. बैंक रेट किस तरीके से जो है डिफ्लेशनरी गैप को, डेफिशिएंट डिमांड को या डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करता है. सो कमर्शियल बैंक्स में टेक लोन्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स. जब अपने लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल बैंक्स टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई, तो जिस रेट पे उनको लोन दिया जाता है आरबीआई की तरफ से उसको हम कहते हैं बैंक रेट. सो बेसिकली हाउ कैन यू डिफाइन बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स अगेंस्ट सम अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली. सो ड्यूरिंग डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप के केस में सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस द बैंक रेट. सेंट्रल बैंक बेसिकली डिफ्लेशन में, आप याद रखिए कि जब भी हम डिफ्लेशन की बात करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज हम लोग करते हैं उस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए. सो सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस बैंक रेट ओवर हियर एंड दिस विल एनकरेज कमर्शियल बैंक्स टू टेक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक. तो ज्यादा से ज्यादा लोन यहाँ पर लेंगे कमर्शियल बैंक्स जो है, अगर सेंट्रल बैंक ने अपना लैंडिंग रेट, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग जो है वो कम कर दी है. So their lending power will increase. जो commercial banks हैं उनके lending power increase होगी, they would be able to provide more credit to the firm sector and the household sector. So they'll collect less interest. Fall in interest rate will encourage people to take loan and buy goods and services. So ज़्यादा loan लेंगे तो goods and services पर ज़्यादा spend करेंगे and aggregate demand will increase and this is how the situation of deflationary gap can be corrected. यहाँ पर ये word ये है कि they will collect less interest. अच्छा, तो यहाँ पर lending power will increase और they will collect less interest. Basically यहाँ पर
RBI will collect less interest basically, ये आप कह सकते हैं. सो आई जस्ट थिंक आई थिंक आई नीड टू रिमूव दिस लाइन ओवर हियर. सो बाकी यहाँ पर करेक्ट है. तो फॉल इन इंटरेस्ट रेट विल इंकरेज पीपल टू टेक मोर लोन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो ये आपका बैंक रेट हो गया. सेकेंड पॉइंट आता है रेपो रेट. अभी रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज द रीपर्चेज रेट. सो इट इज द रेट एट विच अ बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक borrows money from the Reserve Bank of India. The bank pledges or sells government securities to the RBI for the same. तो कुछ government securities इस तरीके से दी जाती हैं जिनको future में payment करने के बाद, loan की payment करने के बाद, commercial banks can repurchase from RBI. Also, these loans are usually for a period up to 2 weeks. तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि repo rate और bank rate में सिर्फ ये tenure का difference होता है, time period का difference होता है. रेपो रेट की अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म नीड्स. और जबकि बैंक रेट की अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लिया जाता है. सो हेंस इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म लोन्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक रेट विद रिस्पेक्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन. सो टेन्योर ऑफ लोन यानी टाइम पीरियड ऑफ लोन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो उसी के बेसिस पे ये डिफरेंट होते हैं. अदरवाइज दोनों का मैकेनिज्म कह लीजिए, दोनों का इम्पैक्ट कह लीजिए, इट इज ऑलमोस्ट सेम. Not almost same, exactly same. So repo rate की बात करें तो what do you mean by repo rate? तो यहाँ पर एक छोटा सा point है जिसको जो different है. Commercial banks में take loans to meet their short term needs from the central bank. So the interest for these loans is called repo rate. आप ये भी कह सकते हैं कि repo rate is the rate at which commercial banks take money, borrows money, they borrow money from RBI actually for their short term needs against approved securities and government bonds. ड्यूरिंग deflationary, deflation, deficit, deficient, decrease कर दीजिए जितनी भी रेट रेशियो जो भी यहाँ पर आते हैं. सो द सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस द रेपो रेट. सेंट्रल बैंक रिड्यूस कर देगा रेपो रेट. दिस विल एनकरेज कमर्शियल बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक्स को एनकरेज करेगा टू टेक मोर लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक. देयर लैंडिंग पावर विल इंक्रीज यानी कि कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग पावर बढ़ जाएगी. दे विल कलेक्ट लेस इंटरेस्ट और RBI जो है वो लेस इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा क्योंकि रेपो रेट कम कर दी है. फॉल इन इंटरेस्ट विल एनकरेज पीपल टू टेक मोर लोन्स एंड टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज. मनी सप्लाई बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. तो रेपो रेट यहाँ पर आप ये मैं तो कहूंगा कि आप इसको कमर्शियल बैंक से ही रिलेट करके एक्सप्लेन करें तो ज्यादा बढ़िया है. सो क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक की इंक्रीज होगी, ज्यादा पैसा जो है बोरो करेंगे और लेंड कर पाएंगे तो बेसिकली प्रॉफिट के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन रेपो रेट. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट से कैसे डिफ्लेशनरी गैप आप करेक्ट कर सकते हैं? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्स रेपो रेट, व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस फंड, कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा पैसा होता है कमर्शियल बैंक्स के पास, दे डिपॉजिट देम विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए, बहुत कम पीरियड के लिए. द आरबीआई ऑफर्स देम अ रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेट ऑफर करता है कि इस रेट पे आप अपनी सेविंग्स पार्क कर सकते हैं मेरे पास, तो दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. बाकी डेफिनेशन यहाँ पर हाईलाइट करके दी हुई है कि इट इज द ब्लू कलर में यहाँ पर ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर सेविंग्स विद द आरबीआई. जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपनी सेविंग्स को पार्क करते हैं आरबीआई के पास उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट. डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप के टाइम पे क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डेफिसिट डिमांड के केस में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट विल बी रिड्यूस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है. ये रेशियो रेट में सब में सेम रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे. द कमर्शियल बैंक्स विल नॉट लेंड टू सेंट्रल बैंक. अब इस केस में क्या होगा कि जो रेट कमर्शियल बैंक्स को मिल रही है अगर वो रिड्यूस हो जाएगी तो दे वुड नॉट बी यू नो इन अ फेवर टू लेंड मनी टू द कमर्शियल लेंड मनी टू द आरबीआई और दे वुड नॉट बी इन अ फेवर ऑफ पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई. इंस्टेड दे विल एडवांस मोर लोन्स टू द पीपल बिकॉज ऑफ दैट द मनी सप्लाई विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशनरी गैप कैन बी करेक्टेड, ठीक किया जा सकता है डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को. यहाँ पर तीन पॉइंट्स हम यहाँ पर बता चुके हैं. फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस? देखिए ये सबसे पहले तो अगर इस पूरी यूनिट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है
मेरे अकॉर्डिंग वो आएगा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की हेल्प, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स जो है हमारे पास होते हैं, फिस्कल मेजर्स या मॉनेटरी मेजर्स। पेपर में देख लीजिए आप, हर एक साल छोड़ के अगले साल या लगातार 2-3 साल में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पिछले 10-12 साल उठा के देख लीजिए, 20 साल उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो अगर आप इन्हें पढ़ रहे हैं तो तरीके से पढ़ें, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। So it refers to, what do you mean by open market operations? It refers to sale and purchase of government bonds and securities by the central bank in open market to the commercial banks or general public. During deflationary gap, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि basically explain कर देते हैं थोड़ा सा कि government bonds और securities को open market में बेचा जाता है या खरीदा जाता है। अगर deflationary gap है तो उसमें क्या किया जाएगा, money supply को कम करना है तो सेंट्रल बैंक ही काम करता है एंड सेंट्रल बैंक विल बाय बैक सिक्योरिटीज। आपको डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। अगर मैं डिक्रीज बोला तो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है हमें डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए, डिफ्लेशनरी गैप को हटाने के लिए, वाइप आउट करने के लिए। सो सेंट्रल बैंक विल बाय बैक सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड जनरल पब्लिक एंड इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ मनी। इसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल बैंक से पैसा कमर्शियल बैंक की तरफ और जनरल पब्लिक की तरफ आता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है एंड अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड आल्सो इंक्रीजेस एंड अल्टीमेटली जो डेफिशिएंट डिमांड या डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो करेक्ट कर दी जाती है। दिस इज हाउ वी डू ऑल सच थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? सो ये LRR का पार्ट होते हैं बेसिकली, लीगल रिजर्व रेशियो के दो वेरिएबल्स होते हैं CRR एंड SLR। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है इसे, एंड S स्टैंड्स फॉर स्टैचुटरी, यानी कि सेल्फ, खुद के पास। तो C से C, S से S, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। सो कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप अ पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक, इट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। सो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आप कि द टोटल डिपॉजिट्स और नेट डिपॉजिट्स एंड द टाइम लाइबिलिटीज, अ फ्रैक्शन ऑफ नेट डिपॉजिट्स एंड टाइम लाइबिलिटीज द कमर्शियल बैंक्स नीड टू कीप विद सेंट्रल बैंक, तो उसको हम कहते हैं CRR। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए एक बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास, RBI की गाइडलाइंस आई कि भाई आपको उसका 3% जो है RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अभी ये 3.5 है वैसे, तो 3 रुपए आप यहाँ पर 100 रुपए का 3%, यानी कि 3 रुपए RBI के पास डिपॉजिट करेंगे। तो ये बेसिकली होता क्या है कि डिफ्लेशन के केस में CRR को रिड्यूस कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। दिस विल अलाउ कमर्शियल बैंक्स टू गिव मोर लोन्स। अब यहाँ 3 रुपए से मान लीजिए 2 रुपए कर दिया गया, तो अब आपको जो है 100 रुपए में से सिर्फ 2%, यानी कि 2 रुपए ही RBI के पास डिपॉजिट करने हैं, अब आप 98 रुपीज लोन दे सकते हैं। So it increases the process of credit creation, not money supply, credit creation, and ultimately aggregate demand will increase. Aapki aggregate demand increase ho jayegi, and the problem of deficient demand will be corrected. Or deficient demand ki problem, deficit demand ki problem, deflation ki problem, deflationary gap ki problem, ye sari ek hi cheeze hain. Ye problem aapki remove ho jayegi. So this is, and if we talk about SLR, to SLR mein bhi ye cheeze same to same hote hain, koi alag nahi hai. So, अगर हम SLR की बात करें तो S मतलब statutory, S मतलब self, जो खुद के पास रखना पड़ता है। So, commercial banks have to keep a part of the total deposits with them to meet day-to-day withdrawals, or basically जो customers की demand होती है उनको fulfill करने के लिए कुछ अपने पास रखना पड़ता है, fraction of total deposit, that is what we call SLR, statutory liquidity ratio. Same procedure यहाँ पर होगा, deflation के केस में SLR को reduce कर दिया जाएगा। This will allow commercial banks to give more and more loans to the general public. It increases the process of credit creation and ultimately aggregate demand will increase and the problem of deficient demand will be corrected. और इस तरीके से जो deficient demand की situation है उसको हम correct कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर ये हमारे quantitative measures पूरे हो गए हैं, अभी हम बात करेंगे qualitative measures की। हालांकि इसमें margin requirement और moral question सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी हम लोग सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखिए लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एवरी न्यू सब्सक्राइबर इज लाइक इट इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों से भी बोलें कि आगे जो है शेयर करें, इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? सो बेसिकली देखिए, बिजनेस और ट्रेडर्स को जो है क्रेडिट की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, एंड दे टेक लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ देयर गुड्स। सो बैंक नेवर गिव्स क्रेडिट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बराबर कभी भी लोन नहीं देता। मतलब अगर आपने 100 रुपए की सिक्योरिटी दी है, कोलेटरल दिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी दी है, तो 100 रुपए का लोन नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा हमेशा। सो इट ऑलवेज पेज लेस वैल्यू देन दिस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। सो अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिफाइन करें, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन एडवांस्ड ऑन इट। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है। एग्जाम्पल भी है यहाँ पर कि मान लीजिए आप अ पर्सन गिव्स अ कोलेटरल सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 100 रुपीज, 100 रुपए की अगर सिक्योरिटी देता है कमर्शियल बैंक को, एंड द बैंक मे गिव हिम लोन ऑफ 80 रुपीज। अगर 100 रुपए की सिक्योरिटी के बदले 80 रुपए का लोन देता है, तो इसका जो 20 रुपए रख लिया गया है, जो कि 100 रुपए का 20% है, दैट वुड बी मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो ड्यूरिंग डिफ्लेशन सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देगा। जैसे अभी 100 पर आपको जो है 20 रुपए जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट था, MR मार्जिन रिक्वायरमेंट था, तो लोन के लिए जो बैंक मतलब लोन आपको मिल रहा है सिर्फ 80 रुपीज का। अगर ये रेट रिड्यूस कर दी जाती है 10 तक, तो आपको अब लोन मिलेगा 90 रुपीज का, तो आपकी डिमांड जो है वो 10 रुपीज से बढ़ जाएगी आप जब खर्च करेंगे इसको। तो डिफ्लेशन में ये रिड्यूस कर दिया जाता है, ये भी एक रेट है, रिड्यूस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने बोला CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, सब में रिड्यूस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। सो अल्टीमेटली आपकी डिमांड जो है बढ़ जाती है, AD आपका बढ़ जाएगा, एंड द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट राशनिंग बोल लीजिए। सो समटाइम्स द सेंट्रल बैंक विल इंस्ट्रक्ट द कमर्शियल बैंक्स टू गिव सम परसेंटेज ऑफ लोन टू सम सेक्टर्स, कि कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दिया जाए, या कुछ सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा, कुछ को नहीं दिया जाएगा। सो इसको एक कोटा फिक्स कर लिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड फिक्सिंग द कोटा। और डिफ्लेशन के टाइम में राशनिंग विल बी रिमूव। अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, तो राशनिंग की जो पॉलिसी है इसको रिमूव कर दिया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। लोन दे दिया जाता है, जो भी लोन देने लायक है, जो पैसा वापस कर देगा, नॉट पर्सन काइंड ऑफ विजय माल्या काइंड ऑफ पर्सन ना हो, तो जो भी वापस कर सकता है लोन, क्रेडिबिलिटी देख के, और हम लोग लोन दे देंगे, मतलब हम लोग लाइक कमर्शियल बैंक्स लोन दे देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉरल सुएशन। ये भी काफी बार पेपर में आता है। सो मॉरल सुएशन इम्प्लाइज इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन, ऐसा कहा जाता है, सो दैट द कमर्शियल बैंक्स विल एक्ट यू नो इन लाइन विद द पॉलिसीज लेड डाउन बाय RBI, कि RBI की पॉलिसीज फॉलो करें। या तो आप परसुएड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनफॉर्मल सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं टू कमर्शियल बैंक्स टू कॉपरेट विद द जनरल मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। जब भी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है या डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, तो क्रेडिट को एक्सपेंड कर दिया जाता है। बोला जाता है कि जिसको जरूरत है क्रेडिट की वो आए और ले जाए, डॉक्यूमेंटेशन कम कर देना, या इस तरीके से क्रेडिबिलिटी देख के, ऑब्वियसली क्रेडिट वर्दीनेस देख के, कैरेक्टर देख के, ये सारी चीजें जो भी पॉलिसी होती है, जो भी टर्म्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के बाद ऑब्वियसली ये जो है लोन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी को भी दे दो, चेक करके दिया जाता है। तो एक्सपेंशनरी क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, क्रेडिट एक्सपेंशन जैसे बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स में ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी डायरेक्ट एक्शन। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक की जो रिक्वेस्ट होती है वो कमर्शियल बैंक नहीं मानते, तो जब नहीं मानते तो उनपे फाइन वगैरह भी लगाया जाता है। तो द सेंट्रल बैंक में वॉर्न और टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक विच डू नॉट फॉलो इट्स गाइडलाइन, जिस जब गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं कमर्शियल बैंक जो है RBI की, तो इस तरीके के फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं, वॉर्न भी किया जा सकता है। सो अ फ्यू मंथ्स अगो RBI स्लैप्ड अ फाइन ऑफ ₹5 लाख ऑन IDBI। अब ये अ फ्यू मंथ्स की बात नहीं है, ये PPT काफी पुरानी है, तो साल गुजर गए हैं, सालों गुजर गए हैं इस बात को। बाकी ये अभी लेटेस्ट जो है इंसिडेंट है, आप देख सकते हैं 29th of November 2021 RBI imposes ₹1 करोड़ फाइन ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली ये सेल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स बाय बैंक एंड फ्रॉड
classification of reporting by commercial banks and select FIs. तो उसके बारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में था ये. तो इस चीज को लेके इन पर जो है 1 करोड़ का फाइन जो है इम्पोज किया गया आरबीआई के थ्रू. तो ऐसी ऐसी चीजें फॉलो की जाती हैं. ये लेटेस्ट एग्जांपल है. तो ऐसी चीजें ऐसी कोई भी बात होती है तो मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ. हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको. तो आप भी अगर इस तरीके से चीजों से अपडेट रहना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स वगैरह के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और हम्बल से रिक्वेस्ट, देखिए इस तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा. आप हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कम से कम इसे अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें और उन 3 दोस्तों को जरूर कहें कि आगे अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करें. एवरी न्यू सब्सक्राइबर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस. इस तरीके की वीडियोज में लाता रहूंगा. अगर कोई डाउट है आपको तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, हर एक डाउट को मैं रीड करता हूँ और रिप्लाई जरूर करता हूँ. बाकी कार्ड सेक्शन में आपको और वीडियोस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे. आप हमें फॉलो करना चाहें तो हमारे सोशल हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं. व्हाट्सएप टेलीग्राम में का ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये सारे के सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है. बाकी और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलेंगे, जाइए चेकआउट कीजिए. बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग. वैसे एक बार सब्सक्राइब कर ले तो बार बार मत कीजिएगा वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा. So this is it for today's video. Thank you so much all of you and see you in your next class.